मेरठ से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन KUP के जनपद हापुड़ जंक्शन पहुंचने पर यात्रियों ने ट्रेन पर फूल बरसाकर स्वागत किया। यात्रियों ने मांग की है कि काफी संख्या में हापुड़ जंक्शन से मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ के लिए हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। ऐसे में ट्रेन का ठहराव हापुड़ जंक्शन पर भी होना चाहिए, इससे यात्रियों को काफी सुविधा और राहत मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद ट्रेन मेरठ से चलकर लखनऊ के लिए रवाना हुई। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव मुरादाबाद और बरेली स्टेशन का रखा गया है। ट्रेन के हापुड़ में पहुंचने पर यात्रियों ने ट्रेन पर फूल बरसाकर स्वागत किया। यात्री ऋतिक त्यागी ने बताया कि बहुत ही खुशी हो रही है कि देश को नवमी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। उन्होंने मांग की है कि इस ट्रेन का ठहराव हापुड़ जंक्शन पर हो जाए तो यात्रियों को मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ आने जाने के लिए काफी राहत और सुविधा मिल जाएगी। वहीं दैनिक रेल यात्री एसोसिएशन के पूर्व महासचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि रेलवे प्रशासन हमेशा से हापुड़ रेलवे स्टेशन की उपेक्षा करता आ रहा है। पिछले 10 सालों में किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज या नई ट्रेन नहीं दी गई। कोरोना के बाद से 3 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन दोबारा से शुरू नहीं किया गया है। अब वंदे भारत का ठहराव भी नहीं दिया है, जो रेल यात्रियों के साथ न्याय नहीं है। रेलवे प्रशासन को वंदे भारत का हापुड़ में स्टॉपेज देना चाहिए। नीतू जी, कैसे, आप कहाँ से आ रहे हैं? सर, मैं बेसिकली दिल्ली से और मेरठ से जा रही हूँ लखनऊ। अच्छा, तो ये जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, बहुत ही क्लासी लुक में आई है। संपूर्ण वंदे भारत एक्सप्रेस। अनुष्का, कौन से स्कूल से हैं? दिवाली। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। वैभवी, कौन से स्कूल से हैं आप? दिवान पब्लिक स्कूल। कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी। सब लोगों का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी है कि पहली बार कोई इतनी बढ़िया ट्रेन हापुड़ जनपद में रुककर जा रही है, तो हमारा आगे भी यही प्रयास रहेगा। जो भी रेल विभाग के अधिकारी, उनसे यही निवेदन रहेगा कि इस स्टॉक को फाइनल कर इस ट्रेन को यहाँ स्थायी रूप से रोका जाए। कितनी सुविधाएं मिलेंगी आपको इससे? अनेकों सुविधाएं, जो कि रेल विभाग के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं चलाई जाए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ट्रेनों में से एक ट्रेन है जिसका जिक्र सब जगह पूरे देश में भी होता है।